हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल भट्ट साहब गेमिंग में। तो मैं आज आपके सामने एक और नए वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो भाई लोग आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर मेरे लिए ये वीडियो उतनी ही पेनफुल होगी, क्योंकि भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कब, कैसे और क्यों मैं अज्जू भाई का टैटू अपनी बॉडी में बनवाने वाला हूँ। और भाई लोग उसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इतने दिन मैं कहाँ गायब था और इतने दिन से चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। सो भाई लोग ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे कोई चीज छूटे ना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई भी नया है या फिर मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले आके गाइस वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद लाल कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी वीडियो डालूं मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जल्दी से आके गाइस इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर दो क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। सो भाई लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, आप सारे सोच रहे होंगे कि अज्जू भाई को तो पीसी का टट्टा कहा जाता है, 9 साल की ऑडियंस वाला यूट्यूबर कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे फेक हैं, फिर भी मैं उनका टैटू अपनी बॉडी पे बनवाने वाला हूं, पर ऐसा क्यों वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पर गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं क्यों अज्जू भाई को इन नामों से बुलाया जाता है हमारी फ्री फायर की कम्युनिटी में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों अज्जू भाई का टैटू अपनी बॉडी पे करवाने वाला हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों अज्जू भाई को पीसी का टट्टा कहा जाता है। भाई लोग, आप सारे जानते होंगे कि फ्री फायर एक एंड्रॉइड गेम है। गरीना ने फ्री फायर को मोबाइल के लिए बनाया है, ना कि पीसी के लिए। फिर भी भाई लोग अज्जू भाई की तरह बहुत से यूट्यूबर फ्री फायर को एमुलेटर पे खेलते हैं। अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी बात है, पर अगर हम इसे टेक्निकल तरीके से देखें तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर कोई गेम मोबाइल के लिए बनाई जाती है तो उसे मोबाइल में ही खेलना चाहिए। फ्री फायर जैसी गेम को एमुलेटर पे खेलना गलत है। भाई लोग, एमुलेटर में ही फ्री फायर खेलने की वजह से अज्जू भाई को पीसी का टट्टा कहा जाता है। अब भाई लोग, मैं आपको बताता हूँ क्यों अज्जू भाई को 9 साल की ऑडियंस वाला यूट्यूबर कहा जाता है। गाइस, जितने भी अज्जू भाई के सब्सक्राइबर है उसमें से 80-90% अनमच्योर ऑडियंस है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो वो 9-15 साल के बच्चे हैं। भाई लोग, जब भी अज्जू भाई की किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी होती है या फिर अज्जू भाई कभी भी अपने फ्रेंड के साथ कोई वीडियो बनाते हैं, जैसे अमित भाई हो गया, एक्स मानी हो गया, तो जितने भी अज्जू भाई की 9 साल की ऑडियंस सब्सक्राइबर है वो उन बंदों की कमेंट बॉक्स में जाके लिखती है अज्जू तेरा बाप। ये घटिया और बचकानी हरकत अनमच्योर ऑडियंस ही कर सकती है, जिसकी वजह से भाई लोग अज्जू भाई को 9 साल की ऑडियंस वाला यूट्यूबर कहा जाता है। और भाई लोग, बात की जाए अज्जू भाई के फेक सब्सक्राइबर के बारे में तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाके उसे खुद देख सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ मैं क्यों अज्जू भाई का टैटू अपने बॉडी में करवाने वाला हूँ। भाई लोग, इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि अज्जू भाई फ्री फायर की कैटेगरी में वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, जो कि अज्जू भाई के साथ साथ हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है। आपने देखा होगा गाइस, इससे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अब सभी इंडियन ई-स्पोर्ट्स टीम को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स में। पर भाई लोग, अगर आप चाहते हो कि मैं अज्जू भाई का टैटू अपने बॉडी पे करवाऊं तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी आज की डेट में 6000 प्लस हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। सो भाई लोग, आपको सिर्फ इस वीडियो पे 10,000 कमेंट्स करने हैं और गाइज उन कमेंट्स में सिंपली लिखना है एक हैशटैग, और गाइज वो हैशटैग होगा #VAreNot9Saal की ऑडियंस। और गाइज, दूसरा स्टेप होगा आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना पड़ेगा जिससे ये वीडियो अज्जू भाई तक पहुंच जाए। और गाइज, जब भी अज्जू भाई इस वीडियो पे अपना कमेंट कर देंगे, चाहे वो अच्छा कमेंट होगा बुरा कमेंट होगा, मैं उसी दिन अज्जू भाई का टैटू अपने बॉडी पे करवा लूंगा। अब भाई लोग, हमारे इस चैनल के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि मैं इतने दिन से कहां गायब हो गया था और इतने दिन से मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था। गाइस, इसका बहुत बड़ा रीजन है कोरोना। भाई लोग, अच्छे खासे मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे और मैं सोच रहा था जल्दी से एग्जाम को खत्म करके रेगुलर वीडियोस डालूंगा, पर गाइस तभी कोरोना की वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो गए। जहां हमारे एग्जाम पहले 10 मई को खत्म होने वाले थे, उसकी जगह वो बोर्ड एग्जाम 17 मई तक पोस्टपोन कर दिए। भाई लोग, कहीं ना कहीं ये अच्छा भी हुआ क्योंकि मुझे बीच में वीडियो बनाने का टाइम मिल गया और आपको एंटरटेन करने का भी। पर भाई लोग, कहीं ना कहीं इस कोरोना ने हम स्टूडेंट्स को लटका के रख दिया है, ना ही इधर आर का मामला हो रहा है और ना ही इधर पार का मामला हो रहा है। पर गाइस, कोई बात नहीं, हम बाद में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद लाल कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी वीडियो डालूं मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जल्दी से गाइस तीनों स्टेप्स को फॉलो कर दो क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। और गाइस, वीडियो में हैशटैग कमेंट करके जरूर जाना और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। सो भाई लोग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपका दिन शुभ रहे।